तो एक ये बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन होता है कि डॉक्टर साहब घुटने से कटकट -कट की आवाज़ आती है हम क्या करें क्या इलाज करें तो पहले तो मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि ये जो कटकट -कट की आवाज़ आती है जैसे हम क्रैपिटर्स कहते हैं पॉपिंग कहते हैं स्नैपिंग कहते हैं क्रिकिंग कहते हैं ग्राइंडिंग कहते हैं बहुत तरह के टर्म्स यूज़ होते हैं तो ये मोस्टली फिजियोलॉजिकल होते हैं मतलब इनके पीछे बीमारियाँ नहीं होती हैं फिजिलॉजिकल होती हैं Uh, मैं एक्सप्लेन करूँगा जस्ट अभी कुछ क्षण uh, में और सेकेंड जो रीज़न होता है जहाँ पे ये क्रैपिटस पेन के साथ और स्वेलिंग के साथ एसोसिएटेड होते हैं जिसमें कितनी बार मोमेंट्स भी जाम हो जाते हैं तो वो एक सीरियस uh, चीज़ें हैं जिनमें कि हमें मेडिकल uh, अटेंशन की ज़रूरत ज़्यादा है तो पहले जैसे मैंने बताया कि फिजोलॉजिकल जिनमें कि बीमारी अंदर नहीं होती हैं उनमें यह होता है तो सबसे पहले तो हमें एक्सक्लूड करना पड़ेगा कि कोई स्वेलिंग नहीं है इसके साथ कोई और पेन नहीं है तो उसमें कितनी बार रहता है कि जो सबसे कॉमन फिजियोलॉजिकल फेनोमेना वो गैस एंड्रैपमेंट होता है बाकी जॉइंट्स में भी गैस एंड्रैप होते हैं नाइट्रोजन एंड्रैप होता है और जब हम फ्लैक्सन एक्सटेंशन करते हैं तो वो पॉपिंग की आवाज़ आती है किसी में कम किसी में ज़्यादा होती है इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं इसका कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती है ठीक है अपने खान पीन का ध्यान दें कुछ एक्सरसाइजेज करें स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें जो जिनमें में स्वेलिंग और पेन साथ में एसोस रहता है खास करके स्नैपिंग टाइप में क्या होता है इलियोटीबल बैंड यहाँ पे एक बैंड गुजरता है कितनी बार इसमें टाइटनेस रहती है और जब वो फ्लैक्सन एक्सचेंज करते हैं तो आवाज़ भी आती है साथ में स्नैप जैसा एक पॉप अप आवाज़ आता है तो उसमें स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज और मिनिमली इन्वेसिव उसको रिलीज़ करते हैं हम लोग जिससे कि वो स्नैपिंग खत्म हो जाती है एक और इम्पॉर्टेंट जो कंडीशन होती है जिसमें कि पॉपिंग साउंड आती है वो होते लूज़ बॉडीज तो लूज बॉडीज़ के कारण भी आते हैं तो इसमें भी दूरबीन आर्थोस्कोपिक के द्वारा जो है हम लोग वो लूज बॉडीज़ निकालते हैं और वो पॉपिंग साउंड ख़त्म हो जाते हैं बहुत से कंडीशंस में हमें पता नहीं चलता है कि ये पॉपिंग साउंड क्यों आ रहे हैं अनएक्सप्लेंड फेनोमिना रहता है बट हम एक एस्वरिंग जो साइन हमारे लिए होते हैं कि इनके साथ ज़्यादा दर्द या फिर इनकी एक्टिविटीज़ रिस्ट्रिक्ट नहीं होती हैं तो उनमें हम लोग कहते हैं कि स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें और बैलेंस डाइट्स लें कुछ जो लुब्रिकेशन बढ़ाने वाले मेडिसिन सप्लीमेंट्स हम लोग देते हैं उनसे भी मरीजों का काफ़ी भला होता है थैंक यू